हेलो नमस्कार दोस्तों, नया सीखे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल का डाटा सेव रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपने मोबाइल का डाटा अब आप सेव रख सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में भी बहुत सी ऐसी एप्लीकेशनें हैं जो कि मैंने डाउनलोड कर रखी हैं, और कुछ एप्लीकेशनें ऐसी होती हैं जो कि हमें अपडेट करने पड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि मोबाइल डाटा ऑन करते ही आपकी एप्लीकेशनें अपडेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले इसके लिए प्ले स्टोर पर चलना होगा, वो मैं आपको शुरू से डिटेल्स बाय डिटेल्स बताने वाला हूं फ्रेंड्स। लेकिन मैं एक गुजारिश आपसे करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम प्ले स्टोर पर ओपन करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी एप्लीकेशन हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माय ऐप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि डेली या फिर दो तीन दिन बाद अपडेट होती रहती हैं, और इसमें हमारा डाटा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए अपडेट मांग रहा है, लेकिन ये अपडेट नहीं हो रही है क्योंकि मैंने मोबाइल का डाटा ऑन कर रखा है, फिर भी अपडेट नहीं हो रही है। जब तक मैं यहाँ पे अपडेट ऑल पे क्लिक नहीं करूँगा या फिर इस एप्लीकेशन के सामने अपडेट लिखा है जो मैं करना चाहता हूँ वहाँ पे क्लिक नहीं करता हूँ तो ये अपडेट नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसको बंद कर रखा है। वो बंद कहाँ से किया है मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर थ्री डॉट देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटो अपडेट ऐप, ये देखिए इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके दिखाई देंगे ओवर एनी नेटवर्क। यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल डाटा से ये एप्लीकेशनें अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप ओनली वाईफाई से करते हैं, जब भी आप कभी वाईफाई किसी का ऑन करेंगे तो ये सारी एप्लीकेशनें अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप लोग दोनों में से किसी से भी अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो आप तीसरा ऑप्शन ऑटो अपडेट ऐप्स को ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने मोबाइल का डाटा खुद ही बचा सकते हैं, इन एप्लीकेशनों को अपडेट होने से रोक सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये सब ट्रिक समझ आई होगी और आपका डाटा इस तरीके से आसानी से बच जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को मदद मिल सके और उनका मोबाइल का डाटा बच सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।